हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सारू एंड यू वाचिंग प्रोडक्ट रिव्यू। सारू, तो गाइज आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको फुल ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ निविया का फ्रेंगी पानी सावर जेल का। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे उसे यूज करना है, क्या उसकी बेनिफिट है और क्या वो समर में जो बॉडी ऑर्डर आती है हमारे उनको हटाने में ये हेल्पफुल है कि नहीं, और क्या क्या उसकी जो डिसएडवांटेज है जो मैंने यूज किया है मुझे लगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और गाइज साथ ही साथ मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक भी प्रोवाइड करूंगा जिसका यूज करके आप बाय करते हैं तो आपको 25% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइज चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये है निविया का फ्रेंगी पानी सावर जेल। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकिंग की। तो गाइस पैकिंग की बात करें तो आपको एक प्लास्टिक के बोतल में मिल जाता है, और गाइस ये प्लास्टिक का बोतल है जो पूरा ब्लू कलर के दिखता है, और यहाँ पे आपको निविया का लोगो मिल जाता है, और यहाँ पे आपको फ्रेंगी पानी सावर जेल लिखा हुआ रहता है। और गाइस बता दूं जितने भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे बैक में प्रिंट किया गया है कैसे इसे यूज करना और क्या इसकी बेनिफिट है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट के यूज करके समझाया गया, सारी डिटेल जो है यहाँ पे पीछे है। और गाइस ऊपर यहाँ पे एक आपको एक रोटेटिंग कैप मिल जाता है व्हाइट कलर का, जिसे आप रोटेट करके ऐसे खोल सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे रोटेट करके यहाँ पे खोल दिया। उसके बाद मैं बता दूं गाइस कि आपको ऊपर यहाँ पे ये ब्लू कलर का आपको फ्लिप कैप मिल जाता है, जिसे आप फ्लिप करके जितना निकालना चाहते हैं उतना निकाल सकते हैं। तो गाइस बात करें इसकी टेक्सचर की, तो गाइस मैं बता दूं ये जेल बेस्ड सावर जेल है। और गाइस बात करें इसकी स्मेल की, तो गाइस मैं बता दूं इसका स्मेल ज्यादा हाई भी नहीं है, ज्यादा लो भी नहीं है, मीडियम है, और इसका प्लीजेंट स्मेल देता है। बात करें इसकी कलर की, तो ये व्हाइट कलर का है, अब अभी आपको देख सकते हैं ब्लू कलर का दिखता होगा क्योंकि ये जो बोतल है ये ब्लू कलर का है, इसलिए ये ब्लू कलर के दिख रहा है। अगर आप इसे हथेली पे निकालते हैं तो उसके बाद ही आपको व्हाइट कलर का पूरी जेल की तरह दिखता है। बात करें इस सावर जेल के इंग्रेडिएंट की, तो फ्रेंगी पानी है वो मेन इंग्रेडिएंट है, और भी इसमें इंग्रेडिएंट का यूज किया गया मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट का यूज किया गया वो है सोडियम लोरेथ, उसके बाद आपको मिल जाता है सीड ऑयल, सिट्रिक एसिड, मतलब इसमें नींबू का भी यूज किया गया, उसमें सोडियम सल्फेट का यूज किया गया है, बेंजोइक एसिड का यूज किया गया, और गाइस ये सब इंग्रेडिएंट का यूज करके इसे बनाया गया है। तो गाइस अब एक आपको मन में डाउट आता होगा कि ये फ्रेंगी पानी क्या है, आपने नाम जो है पहली बार सुना होगा और बहुत लोगों ने इसे सुना भी होगा। तो गाइस मैं बता दूं फ्रेंगी पानी क्या है, बता दूं ये फ्रेंगी पानी जो है एक फ्लावर है जिसका स्मेल है बहुत ही ज्यादा स्वीट होता है, और गाइस मैं बता दूं हमारे इंडिया में जो ट्रॉपिकल रीजन है जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे इसे पाया जाता है। और गाइस मैं बता दूं ये जो फ्लावर है एक एंटी इंफ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टी होता है उसको कंटेन करता है। इससे क्या होता है हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्डर आते हैं जैसे स्मेल आती है बदबू उसको दूर करता है, और मैं बता दूं स्किन पे जितने भी इचिंग होती है और रेडनेस होता है उनको भी ये प्रिवेंट करता है। अब बात कर लेते हैं इसे यूज कैसे करना है। तो गाइस मैं बता दूं जैसे हर एक सावर जेल को आप यूज करते हैं वैसे इसे को यूज करना है। सबसे पहले आपको इसको हाथ में लेना है, उसके बाद अपने बॉडी पे इसको अच्छे से मसाज करना है। और गाइस मैं बता दूं कि थोड़ा सा आप लेंगे तो इसको बहुत ज्यादा फोम बनता है, उससे क्या होगी कि आपकी पूरी बॉडी कवर हो जाएगी। और गाइस उसके बाद आपको क्या करना है पानी इसे धुल और इसी तरह इसको यूज करना है। मैं बता दूं कि ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए सुटेबल है। गाइस मैं बता दूं अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है या सेंसिटिव है आप इसे यूज कर सकते हैं। और गाइस मैं बता दूं मैन और वीमेन दोनों इसे यूज कर सकते हैं। और गाइस मैं बता दूं आप इसका यूज अपने फेस पे भी कर सकते हैं, मैं भी इसे कभी कभार यूज कर लेता हूं जब मेरे पास फेस वॉश अवेलेबल नहीं रहता है तब मैं इसका यूज फेस वॉश पे कर लेता हूं। गाइस बात करें इस सावर जेल की बेनिफिट की, तो आपको लगाने के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा। तो गाइस मैं बता दूं कि जो फ्रेंगी पानी का इसमें यूज किया गया उसके बहुत सारे बेनिफिट है। और गाइस मैं बता दूं इस सावर जेल में और भी इंग्रेडिएंट के यूज किया गया उसके भी बहुत सारे बेनिफिट है। तो गाइस सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये सावर जेल आपके बॉडी को डीप क्लीनिंग देगा, मतलब आपके जो बॉडी है उसको बहुत अच्छे तरह से डीपली उसको क्लीन करेगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके बॉडी को ये हार्श नहीं बनाएगा, लगाने के बाद आपके बॉडी जो है रुखड़ा नहीं होगा, जो ड्राई हो जाता है वो आपके बॉडी को ये मॉइस्चराइज भी करेगा। गाइस तीसरा बेनिफिट ये है कि आपको इसको लगाने के बाद आपको ऑल डे फ्रेशनेस मिलेगा, मतलब आपके बॉडी जो है पूरी दिन फ्रेश रहेगी। और गाइस चौथा बेनिफिट ये है कि ये पूरी तरह 100% हाइजेनिक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप सॉप यूज करते हैं तो आप उसे हाथ से छूते हैं और उसके बाद कोई और यूज कर लेता है उसको, तो उसके बाद अगर आप यूज करते हैं तो वो अनहाइजेनिक हो जाता है क्योंकि दूसरे किसी का स्वेट और बॉडी ऑर्डर लग जाता है उसके बाद आप यूज करते हैं। इसमें वो नहीं है क्योंकि अगर आप इसको निकाल के हाथ में लेंगे और उसके बाद इसे यूज करेंगे। और गाइस पांचवा बेनिफिट ये है कि ये जो है समर में जो हमारे बॉडी से ऑर्डर आती है उसको भी ये कंट्रोल करता है, क्योंकि जो इसमें फ्रेंगी पानी का यूज किया गया है जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी को ये कंटेन करता है, जिससे क्या होता है कि हमारे बॉडी से जितने भी ऑर्डर होते हैं उनको ये दूर करता है। राइट, सिक्स बेनिफिट ये है कि ये हमारे बॉडी को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। तो गाइस मैं बता दूं इसमें जो फ्रेंगी पानी का यूज किया गया है वो हमारे बॉडी को स्मूथ भी बनाता है। तो गाइज इस सावर जेल के रिलेटेड 3-4 चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मुझे अच्छा लगा है और क्या मुझे इसमें अच्छा नहीं लगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो गाइज सबसे पहली बात जो मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी कि इसको हाथ में लेते हैं और थोड़ा सा अगर ज़्यादा वाटर आपके हाथ से गिर जाता है इस पे, तो वो क्या होता है आपके हथेली से वो स्लिप हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तो गाइज ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं बता दूं कि अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा पानी लें इसको डाइल्यूट करने के लिए, उसके बाद अपने बॉडी पर ज़्यादा पानी अगर आप इस पर डालेंगे तो उसके बाद ये गिर जाएगा नीचे। गाइज इसकी एक और बात मुझे
अच्छी लगी ये है कि ये जो इसका प्लास्टिक यूज किया गया है ये 98% बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये है कि ये मिट्टी में मिल जाता है, ये खाद बन जाता है पिघल के, और प्लास्टिक की तरह ये हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता है। और गाइस मैं बता दूं कि ये पूरी तरह से केमिकल फ्री है। और गाइस बात करें इसकी वॉल्यूम की तो आपको 250 ml का ये पैक मिल जाता है। और गाइस बात करें इसकी प्राइस की तो आपको 225 rupees का मिल जाता है। तो गाइस आपको इतना का नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका डिस्काउंट लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसको अगर आप यूज करते हैं तो 25% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइस जो डिस्काउंट लिंक था मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप जरूर वहाँ से आप बाय कीजिएगा। और गाइस अब बात कर लेते हैं मेरी ओपिनियन की, तो आपको इसे लेना चाहिए कि नहीं। तो गाइस मैं बता दूं ये जो शावर जेल है बजट में बहुत अच्छा शावर जेल है, क्योंकि मैंने इसे यूज किया है जो समर में मेरी बॉडी ऑर्डर आती है उसको ये कंट्रोल करता है। और गाइस मैं बता दूं इसको यूज करने के बाद मेरी बॉडी जो है पूरी तरह से मॉइस्चराइज लगती है, क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो पूरी तरह से ड्राई है, आपको पता ही होगा मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है। इसको मैं लगाता हूँ तो उसके बाद मेरी बॉडी जो है समर में रुखी रुखी नहीं रहती, थोड़ी मॉइस्चराइज दिखती है। तो गाइस मैं बता दूँ अगर आपकी भी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई है और आपकी बॉडी से ऑर्डर आते हैं तो इसको आप ज़रूर बाय करें। और गाइस जो लिंक था मैंने जो बताया आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप ज़रूर बाय कीजिएगा। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलेंगे किसी और वीडियो। Nothing, I don't even need your love.